इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नालंदा जिले में बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज से 14 फरवरी तक दो पालियों में लिया जाएगा, जिसकी टाइमिंग प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 1:15 तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 1:45 से अपराह्न 5:00 तक आयोजित की जाएगी। बीएसईबी द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थी अगर परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचेंगे तो उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। नालंदा जिले में परीक्षा आयोजन के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें बिहार शरीफ में 31, हिलसा में 5 तथा राजगीर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से छात्रों के लिए 22 तथा छात्राओं के लिए 17 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 24,225 छात्र तथा 21,087 छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षा केंद्रों पर 195 स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। परीक्षा अवधि तक बंद रहेंगे फोटोस्टेट की दुकान। परीक्षा सेंटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षा अवधि में बंद रहेंगी। सभी परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। वर्तमान में सर्दी को देखते हुए परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे, परंतु फ्रिस्किंग के क्रम में अच्छे ढंग से जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आज से इंटर परीक्षा की शुरुआत हो रही सर, सरकार के द्वारा सर क्या क्या गाइडलाइन और क्या क्या सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ रखा गया है सर? सभी सेंटर से पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है, एसटी में भी पदाधिकारी हैं, हम लोग स्वयं जो है वरीय पदाधिकारी और मंत्री हैं, और हम लोग सब जगह कर रहे हैं कि शांति गाइडलाइंस है उसके आलोक में इंटरमीडिएट का परीक्षा जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो। विशेषकर मोबाइल्स वगैरह में छात्रों का मैं चेक भी कर रहा हूँ, कुछ कुछ फर्जी टाइप के पोस्टर्स वगैरह जो है वायरल होते हैं।